जितने भी इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक कार्य करते हैं, उनको भली भांति पता होगा कि सेवेंथ पे कमीशन जब लगने वाला था तो उसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के द्वारा ये निर्णय लेना था कि भविष्य में या वर्तमान में जीडीएस की क्या समस्याएं हैं, क्या मूलभूत उस समस्याओं के बारे में कुछ सोच कर एक कमेटी बनाकर उसका भविष्य को कैसे संवारा जाए, इस पे उसको एक रिपोर्ट देना था। उसमें जीडीएस की तमाम मांगे जो बार बार यूनियन के तरफ से उठ रही उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कमिटी का गठन करना था, और वो कमिटी का गठन भी हुआ जिसे हम लोग कमलेश चंद्रा कमिटी के नाम से जानते हैं। कमलेश चंद्रा कमिटी जब गठन हुआ तो उसमें जीडीएस की बहुत सारी मांगे को पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाते हुए एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें उन सभी बातों को लिखा गया कि ये जीडीएस की जरूरतें हैं और इसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जीडीएस का जो शुरुआती दौर में जो मूलभूत सुविधाएं मिलती थी उसके अलावा कोई नया विषय वस्तु उसमें ना ही जोड़ा जाता था और ना ही किसी तरह का जीडीएस के कार्य प्रणाली में अंतर आया था, जिससे जीडीएस हमेशा अपने भविष्य के लेकर चिंता में रहता था। तो बस उसी सब को लेकर जीडीएस के लिए कमलेश चंद्रा कमेटी का गठन हुआ और उसमें उसकी सारी मांगे को प्रस्तुत किया गया, पर विभाग ने कमलेश चंद्रा रिपोर्ट को जितनी भी मांगे थे उसको सभी को न स्वीकार करते हुए उसमें कुछ बिंदु को ही दिया था, यानी उसको इम्प्लीमेंट किया था, और बहुत सारी ऐसी बिंदुए हैं जिसको अंडर एग्जामिन प्रोसेस में रखा है, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिसको विभाग ने एक तरह से नकार दिया, यानी उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया, उस पे भविष्य में कोई चिंतन मंथन नहीं किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का गौर नहीं किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी पॉइंट थी जिसपे भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने उसको नकार दिया या रिजेक्ट कर दिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जीडीएस 24x7 आपको रखता है जीडीएस या इंडिया पोस्ट अपडेट में दूसरों से कहीं आगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कमलेश चंद्रा रिपोर्ट में जो रिजेक्टेड पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट आता है पेटर्निटी लीव की। कमलेश चंद्रा रिपोर्ट के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि हर एक जीडीएस इम्प्लॉय जो पेटर्निटी लीव के हकदार हो उसे एक सप्ताह का पेटर्निटी लीव दिया जाए, इसको भी विभाग ने नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा रिजेक्टेड पॉइंट है कि लीव एक्यूमुलेशन एंड इनकैशमेंट फैसिलिटी अप टू 180 डेज हैज बीन रिकमेंडेड टू बी इंट्रोड्यूस, यानी विभाग को यह बोला गया था कि 180 दिन का इनकैशमेंट फैसिलिटी लीव को दिया जाए। इनकैशमेंट फैसिलिटी का मतलब यह होता है कि उस छुट्टी को आप कैश के रूप में भुगतान ले सकते हैं। वो 180 दिन करने के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन विभाग ने इसे भी एक तरह से नकार दिया है और इस पर भविष्य में ना कोई चिंतन होगा, इसको अलग कर दिया है। तो यही मेन दो पॉइंट है जो जीडीएस के लिए एकदम जरूरी था कमलेश चंद्रा रिपोर्ट में, बट विभाग ने इसको एक सिरे से नकार दिया है। तो कमलेश चंद्रा रिपोर्ट में एक वीडियो मैंने बना दी थी जो इम्प्लीमेंट हुआ है, दूसरा मैंने बना दिया रिजेक्टेड, और एक पार्ट जो रह गया जो अंडर एग्जामिनेशन है यानी अंडर प्रोसेस है, उसके बारे में अलग सी वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। तो अभी फिलहाल आप बने रहे जीडीएस 24x7 पे, और जो भी लोग अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।